4 ऐसी हैबिट्स दैट चेंज माय लाइफ कंप्लीटली. नंबर 1, गेटिंग प्री ऑर्गेनाइज्ड या प्री प्लान, जिसका मतलब है कि दिन की शुरुआत करने से पहले वॉट एवर एक्टिविटीज यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट डे, अगर आप उसे अच्छी तरह से एक प्री प्लान कर लेते हैं, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो. नंबर 2, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है, बट अगर हम उसे लिख के नहीं रखेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल थिंग्स. और आजकल की दुनिया जब इतनी बिजी और हसल वाली हो चुकी है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपके दिमाग में आप सब कुछ रिटेन करके रखें, आपके थॉट्स या आइडियाज. सो बेस्ट थिंग इज ऑलवेज राइट अ सेल्फ नोट या अपनी डायरी में लिख के रखिए अपने थॉट्स एंड आइडियाज एंड कीप रिविजिटिंग देम फॉर एग्जीक्यूशन. नंबर 3, बी इन द मोमेंट. जब भी हम कोई काम करते रहते हैं, हमें चिंता रहती है कि इसके बाद हमें क्या करना है, एंड इन दिस प्रोसेस वी डोंट एंजॉय द मोमेंट, द एक्शन दैट वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज बी इन द मोमेंट. अगर आप इन द मोमेंट रहते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू विल बी एबल टू डू इट इन अ प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड. एंड अगर आप कोई भी काम प्लेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में करते हैं तो वो अनडाउटेडली अच्छा ही होके आता है. एंड लास्टली, प्रैक्टिस द 2 मिनट रूल. तो बहुत कई बार काफी बोरियत लगती है, हमें जिमिंग स्टार्ट करना है, हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना है, हमें जुम्बा स्टार्ट करना है, हमें कुकिंग स्टार्ट करना है. जस्ट ट्राई द 2 मिनट प्रैक्टिस. 2 मिनट प्रैक्टिस मतलब अगर आपको जर्नलिंग करना है, आप सिर्फ 2 मिनट जर्नल करके छोड़ दीजिए. अगर आपको मेडिटेशन करना है, आप सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करके आप छोड़ दीजिए. देखिए, आप 2 मिनट में उसे खत्म नहीं कर पाएंगे. ऑटोमेटिकली आपकी इनर इंस्टिंक्ट बोलेगी कि आप थोड़ी और देर करें. इसी तरह से इफ यू कंटिन्यू डूइंग दैट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज, फॉरगेट 21 डेज, आप देखिएगा वो आपकी जिंदगी की एक प्रैक्टिस बन जाएगी. एंड एनी गुड प्रैक्टिस विल ऑलवेज ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स इन योर लाइफ. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर.